अगर आपके भी घर में तुलसी का पौधा है तो ये बातें याद रखें, अगर तुलसी को पनपना है तो तुलसी की बाली आती है तो उसको हमेशा छांटते रहें, तो एकदम घना और बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा तुलसी का पौधा, कभी सूखेगा भी नहीं। और उसकी जो वो कटिंग है तो वो फेंकना नहीं, उसी के उसमें घरुए में अंदर डाल देना, जिससे तुलसी और भी आ जाएंगी और बहुत अच्छा रहता है। इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग करते रहो हमेशा, ऊपर से जो बाली इनके ऊपर है ना बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, मतलब अगर उसकी वो कटिंग कर दो ऊपर से हल्के हल्के छांटते रहो तो उस पर वजन भी नहीं रहता है। तुलसी जो मुरझाने लगती हैं तो बिल्कुल नहीं मुरझाती हैं और बहुत अच्छे से उसी जगह से दूसरी कलमी लगने लगती है, तो बहुत अच्छे से देखो। जो मेरा तुलसी का पौधा है मैं हर महीने में एक बार उसको कट करती रहती हूँ, तो पूरे उसमें तुलसी घरुआ में फैल गई हैं हमेशा, और मेरी तुलसी कभी भी सूखती नहीं, ऐसे ही हमेशा रहती है। तो आप भी अपनी अगर तुलसी को सही ग्रोथ देना चाह रहे हो, अच्छा से रखना चाह रहे हो, तो तुलसी की हमेशा जो बाली है उसकी कटिंग हमेशा करते रहें, हल्का हल्का सा छांटते रहें और उसी के घरुआ में डालते रहें, जिससे तुलसी बर्बाद भी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे पूजन में भी काम आ सकती है। तुलसी हमेशा पवित्र होती है, तो जो तुम कटिंग करते हो वो अपने पूजा के उसमें भी जगह पे भी अब रख सकते हो, चिन्नामित्र भी बना सकते हो। राधे राधे।